हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बात करते हैं आज अपन 30 सितंबर 2018 रविवार यानी कि संडे को क्या कुछ बड़ी खबरें और खास अपडेट निकल कर आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों क्विकली हम आपको 2 मिनट के अंदर आपको बताएंगे 10 बड़ी खबरें यानी कि टुडे लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड हेडलाइंस क्या कुछ निकल कर आ रहे हैं मुख्य समाचार के तहत। तो पहली खबर आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों, अब नोएडा में डोनाल्ड ट्रंप बनाएंगे लोगों के लिए आशियाना, नवरात्र में मिलने लगेंगे फ्लैट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मंझे हुए सफल बिजनेसमैन भी है और ऐसे में भारत में रियल स्टेट मार्केट में रेजिडेंशियल सेक्टर में बूम को देखते हुए उन्होंने निवेश का मन बनाया है और नवरात्रा तक भारत में वो काफी कुछ बिल्डिंग बनाएंगे जिनको हम भारतीय खरीद सकेंगे और उनमें रह सकेंगे। अगली बड़ी खबर अपडेट देख सकते हैं दोस्तों, खेल समाचार के तहत निकल कर आ रहे हैं यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज के अंदर कि वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज भारतीय टीम घोषित हो चुकी है और शिखर धवन बाहर हो गए और मयंक अग्रवाल को मौका मिला है। यहां भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और मयंक टीम में नया चेहरा बनकर आए हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एशिया कप 2018 के फाइनल मैच में हमारी भारतीय टीम की जीत हुई, इसके लिए हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और खुशखबरी है। तो दोस्तों भारतीय टीम की जीत के लिए आप इस वीडियो को नीचे लाइक जरूर कर देना और अगर आप भी चाहते हैं कि आगे भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमारी भारतीय टीम विजेता बनी रहे और लगातार इंडिया की जीत होती रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना अभी का भी और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर देना। वहीं आज की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा है, सभी रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त मिलेगी आधुनिक सेवा। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे के देश भर में स्थित सभी 6000 रेलवे स्टेशन पर जल्द ही वाईफाई के जरिए इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके रिगार्डिंग रेलवे ने गूगल के साथ समझौता भी किया है और साथ ही रेलवे की एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, रेल मंत्री ने कहा कि स्मार्ट डिब्बे बनाएंगे और यात्रा को बेहतर करेंगे, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। और पीयूष गोयल जी ने बड़ा ऐलान किया कि अगले 4 महीनों में सभी रेलवे स्टेशनों के ऊपर मुफ्त वाईफाई लगाया जाएगा और फ्री के अंदर इंटरनेट चलेगा। बात करें दोस्तों आज की एक और अगली बड़ी खबर और अपडेट की, तो यहां देख पा रहे होंगे धीरे धीरे कंगाल हो रहा पाकिस्तान, 6 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था के हैं ऐसे हालात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इस समय काफी संकट में चल रहा है और यहां की अर्थव्यवस्था जो चरमरा कर गिर सकती है। पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार पिछले 6 साल में पहली बार सुस्त पड़ी है और ऐसे में इसकी विकास दर भी काफी कम है। पाकिस्तान कंगाल होने के कगार पर चल रहा, हालात काफी खराब चल रहे हैं और इसके ऊपर मेरे दिल से एक ही लाइन निकल रही है दोस्तों, बुरा मत मानना लेकिन जैसा काम करोगे वैसा ही फल पाओगे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी आए दिन हर किसी के साथ घुसपैठियां करते रहते हैं, छेड़खानी करते रहते हैं, हमारे भारत पर भी आए दिन आक्रमण हमला करते रहते हैं। साले काम धंधे तो नहीं करते और ऐसे लड़ाई झगड़े के उल्टे सीधे काम करते तो देश गरीबी में नहीं डूबेगा तो क्या घंटा विकास होगा? सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। लेकिन दोस्तों अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को चुपचाप लाइक जरूर कर देना अभी का भी। वही अगली बड़ी खबर निकल कर आया दोस्तों, जेईई मेन 2019 एग्जाम के लिए 30 सितंबर यानी कि आज लास्ट डेट है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपके दोस्त लोगों में से कोई है तो उनको ये खबर और नोटिफिकेशन जरूर दे देना फेसबुक व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करके, ताकि अगर कोई एग्जाम देना चाहे तो आज लास्ट डेट है, अप्लाई कर सकता है। वही अगली बड़ी खबर आप यहाँ देख सकते हैं, एयरटेल ने शुरू की आईफोन एक्स और आईफोन एक्स मैक्स की डिलीवरी। जी हां दोस्तों, एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए अपने स्टोर से आईफोन एक्स और आईफोन एक्स मैक्स की डिलीवरी शुरू कर दी है। हालांकि ये फोन रईसों के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा महंगे दोस्तों, 1-1.5 लाख तक के प्राइस में आते हैं, हमारे लिए बस का ये रोग नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी न्यूज के तहत खबर और अपडेट है जो मैंने आपको बता दिया। अगली बड़ी खबर निकल गया दोस्तों, अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI में खाता है और SBI का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। SBI अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को योनो ऐप के ऊपर बहुत ही बढ़िया ऑफर दे रहा है, इसके तहत आप 1000 रुपए का फ्री गिफ्ट वाउचर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं, गांव-गांव में मचे के इंटरनेट की धूम, अब पड़ोस में होगा वाईफाई का हॉटस्पॉट। जी दोस्तों, नई दूरसंचार नीति से बढ़ती डाटा जरूरतों और लागत में कटौती और लाल फीताशाही कम करने में कंपनियों को मदद मिलेगी और वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में बात कही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यानी कि NDCP 2018 को मंजूरी दी है और इसमें 2022 तक $100 अरब का निवेश करके 40 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। ऐसे में दोस्तों भारत के अंदर रोजगार बढ़ेगा और इंटरनेट काफी सस्ता मिलेगा आने वाले कुछ ही सालों बाद आपको। वही दोस्तों आज की अगली बड़ी खबर और अपडेट देख सकते हैं, वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए बड़ी खबर है, पुराने सिम हो सकते हैं बंद, क्या है इसकी सच्चाई? दोस्तों सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक व्हाट्सएप पर ऐसी बहुत सारी अफवाहें चल रही है कि आइडिया वोडाफोन मर्जर के बाद इसके पुराने सिम कार्ड जो बंद हो जाएंगे और यूजर्स को नए सिम कार्ड खरीदने होंगे, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, कंपनी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या अपडेट नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं आपको DLSNews के ऊपर जरूर शेयर करूंगा, मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करना और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना, ताकि जब भी कोई काम की खबर अपडेट आएगा तो तुरंत आपको अपने मोबाइल पर मिल पाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी आज की बड़ी खबरें और काम की अपडेट मिल सके। वहीं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर यानी कि PM मोदी गवर्नमेंट के अंदर आज के पेट्रोल डीजल के भाव और क्या कुछ अपडेट्स चल रहे हैं यानी कि पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे के बारे में अगर आप जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप आज के पेट्रोल डीजल के भाव चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की बड़ी खबरों और अपडेट में यही है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।